millimeter of rain has fallen on a square kilometer of land. Assuming that 50% of the raindrops could have been collected and contained in a pool having 100 meter into 10 meter base, by what level would the water in the level in the pool have increased? देखो, 1 square kilometer land का मतलब क्या होता है? ये 1000 meter और ये 1000 meter dimension का एक area है, जिसमें rain कितना हुआ है, बारिश कितनी हुई है, वो हुई है 2 centimeter. तो इसका total volume कितना होगा? सिंपली वॉल्यूम, ये तो स्क्वायर है और इसमें 2 सेंटीमीटर का लेवल अप हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना होगा? सिंपली वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट. तो ये हो जाएगा 1000 × 1000 × 2 सेंटीमीटर. इसको अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो आप 100 से क्या करोगे? डिवाइड. तो अल्टीमेटली ये जो वॉल्यूम मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा बच्चे मीटर क्यूब में. क्लियर है? सेंटीमीटर को यहां से हम क्रॉस कर देंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा 0 से ये 20 खत्म. तो ये मिल जाएगा इफेक्टिवली आपको 2 × 10000 और ये होगा मीटर क्यूब. ये तो टोटल वॉल्यूम है जो रेन हुआ था. उसमें कह रहा है कि 50% इसको रिजर्व कर लिया है. तो 50% का क्या मतलब है? 50% का मतलब है सिंपली 1/2. तो टोटल कितना रेन कंजर्व हुआ है? इसका हाफ, तो 2 से ये 2 कैंसिल. इट मींस जो टोटल वॉल्यूम जो वाटर का कंजर्व होगा, जो सेव होगा, वो होगा 10000 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब. आपने इसको किस में प्लेस कर दिया है? एक 100 मीटर इनटू 10 मीटर बेस वाले लैंड में, पूल में. तो वॉल्यूम जो वाटर आपने बचाया है, वही वॉल्यूम पूल में जाएगा. तो सिंपली वॉल्यूम को क्या करोगे आप? इक्वेट कर दो. तो पूल का वॉल्यूम कितना होगा? सिंपली 100 मीटर × 10 मीटर × सपोज वो h हाइट इंक्रीज हो गया है, तभी तो दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे. तो सिंपली यहां से मीटर से ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब कैंसिल. तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 10000 / 100 × 10 और ये आएगा मीटर में और ये हो जाएगा आपका h. 0 से ये 20, ये 0 से 1, दैट इंप्लाई h का जो हाइट होगा उस पूल का जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा? 10 मीटर का. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.